जी सबके साथ एक सा व्यवहार होगा जी भैया, कि आप आए हैं तो आपके साथ सभी साहब है सर। पागरा में अभी हम जहाँ पे आए हैं ना, मैं देखो जहाँ जाता हूँ कोशिश करता हूँ कि अपना पंजाब जो है हर जगह ढूंढ लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं आया हूँ अमृतसरी चूर चूर नान आपको दिखाने। अमृतसरी चूर चूर नान वैसे होते नहीं, अमृतसरी कुलचे होते हैं और चूर चूर नान जो है अलग अलग शहरों में बनते हैं, बट यहाँ पे इस दुकान का नाम है जी अमृतसरी चूर चूर नान, तो आपको दिखाते हैं। बहुत ही ज्यादा फेमस है और क्या इनको क्रश करके मक्खन डाल के देते हैं आपको, वो भी दिखाते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपने समय दिया। सर यहाँ पे चूर चूर नान शाम को मिलते हैं? वैसे स्टार्ट हो जाता है जी, दोपहर को 12 बजे स्टार्ट होता है। अच्छा, रात को 10:30 तक चूर चूर नान मिलेंगे यहाँ? बहुत जबरदस्त। एक बार दिखाइए कैसे बनाते हैं, क्या डालते हैं इसमें? ये देखो भाई, इधर मक्खन ही मक्खन डाल रखा है इन्होंने, और इधर है जी ये पेड़े जी, और पेड़े के साथ स्टफिंग में क्या डालते हैं भैया? आलू का मसाला है, चने की दाल की पिसा हुआ होता है। अरे वाह क्या बात है जी, ये अच्छे से पिटाई करके नान की लेयर्स बना के इसके फिर इसके पेड़े जो है वो करते हैं और फिर इसको फ्लैटन करते हैं। पेड़े आपके सामने हो भी रखे हैं। स्टफिंग में पनीर और हरिया धनिया है जी ऊपर, और ये देखो अभी इसको अच्छे से पिचका के, और ये जाएगा जी अभी भाई तंदूर के अंदर। ये आपका चूर चूर नान जो है ये आ गया बाहर। ये जो मक्खन की ईंटें रख रखी है ना, अब इनका काम है ये भर भर के मक्खन। ओह भाई क्या बात, हर भर के लोड करके अमूल मक्खन। ओह भाई, ये ऊपर से आ गया जी साथ में पनीर और हरिया धनिया और साथ में काजू, और भाई अब देखो ओह ये चूर चूर का क्रंच। ओ वाह 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 वाह, ये तो प्लेट आ गई चूर चूर नान की। प्याज चटनी, अरे वाह जी जी, इमली वाली प्याज चटनी। ये आ गई जी साथ में हरी मिर्ची, रायता जो है वो फ्रीजर के अंदर रखा हुआ है भाई, एकदम चिल्ड होगा रायता। वाह अच्छा, मटर पनीर भी है यहाँ पे, ये तो पूरे प्रॉपर दिल्ली स्टाइल है भाई, क्या बात है। ये आ गया जी चूर चूर नान के साथ मटर पनीर, और इसके साथ क्या आएगा भैया? और ये है जी इधर देसी घी के छोले। वाह जबरदस्त मेरे भाई, ये आ गए, और इसके साथ भैया वो चूर चूर नान तो दिखाइए कहाँ चले गए, वो तो गायब हो गए सीन से। ये देखो ये साथ में आ गए जी ये चूर चूर नान, और ये प्लेट भैया कितने की है? 160 की सर एक प्लेट होती है। 160 रुपए की एक प्लेट है, दो नान है, दो नान के साथ। और सब्जी सर और ले सकते हैं? सब्जी बिल्कुल रिफिल होती है सर, अनलिमिटेड होती, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये प्लेट है जी एकदम जबरदस्त है, बहुत बढ़िया है, स्वाद आपके साथ बांटते हैं। ये देखो इधर ये जी शाही पनीर एकदम दिल्ली के अंदाज में, और ये दूसरा चम्मच जो है जी इसके लिए, ये है जी देसी घी वाले छोले, और भाई जो तीसरी चीज़ है वो है जी ये रायता। एंड ये बाइट लेते हैं यहाँ से, एक बाइट बनाते हैं। और भाई चूर चूर नान तो वैसे ही यार, किसी भी दिल्ली वाले से पूछ लो, किसी भी पंजाबी से पूछ लो, चूर चूर नान तो फेवरेट होते ही हैं सबके। तो बाइट तो हम पहली बाइट तो भाई इस पनीर के साथ ही लेंगे यहाँ से। हियर इज अ बाइट। ओ भाई एकदम जबरदस्त क्रंच है शाही पनीर में, काजू मगज की ग्रेवी और साथ में टमाटर, ये दिल्ली वाला स्वाद नहीं है, ये आगरा वाला स्वाद है भाई, और एकदम अलग है, ऐसा कुछ कभी ट्राई नहीं किया यार। ओए होए होए भाई साहब, आगरा आते हो ना तो यहाँ पे अमृतसरी चूर चूर नान। सर लोकेशन क्या है अपनी? संजय पैलेस अमृतसरी चूर चूर नान, एक बार मेरे कहने पे ट्राई करो, आपको मजे आ जाएंगे भाई, जबरदस्त फ्लेवर है, जबरदस्त स्वाद है, यहाँ पे आ जाओ, हम आगे चलते हैं। और भाई चलते चलते हमें यहाँ पे दिखे भैया, भैया ये क्या बना रहे हैं? मक्खन तरबूज। मक्खन तरबूज भाई साहब, ये मक्खन तरबूज है, ऊपर मक्खन है, अंदर क्या लगाते हैं भैया? ये छेना टाइप का होता है। छेना, तो कितने का देते हैं भैया? 20 रुपए। ये 20 रुपए का है जी मक्खन तरबूज है, और भैया एक बार अंदर से दिखाएंगे क्या रखते हैं इसमें। अच्छा, अरे वाह भाई, ये मक्खन के तरबूज है, अंदर छेना है और लाल रंग का छेना है, ऊपर से मक्खन है ग्रीन कलर का। भाई साहब यहाँ से हम ये क्या करते हैं ना, थोड़ा सा ये इधर से उठाते हैं और ये ट्राई करते हैं। केक के जैसा है यार, बहुत ज्यादा मीठा है, और ऐसा स्वाद आ रहा है जैसे, ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरा मिठास जो है, चीनी जो है घुल गई पूरे मुंह में। तो
भाई साहब आगरा में आज हम हैं जी पक्का भाबा के पास और यहाँ पे हम आए जी आपको इनकी बातें सुनाने और बढ़िया खाना खिलाने। बाबा राधे राधे। कैसे हैं सर? जय हो जी। सर मैंने बहुत तारीफ सुनी आपकी। सब आप लोगों का आशीर्वाद है सर। अरे वाह क्या बात है। तो सर बहुत मशहूर है, क्या बनाते हैं आप यहाँ? मैं चीला बना रहा हूँ सर जी। और चीला बनाते हैं, मैंने सुना आपकी बातें बड़ी नटखट है। कुछ नहीं जी, सब ठाकुर जी की कृपा है। वाह 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 वाह, ठाकुर जी की कृपा है और चीला बनाते हैं यहाँ पे, नटखट बातें करते हैं। और सर इधर ये क्या बना रहे हैं? भल्ले बना रहे हैं सर। अच्छा इधर भल्ले हैं। आलू की टिक्की बोलते हैं इसको, भल्ला भी बोलते हैं। अच्छा आलू की टिक्की भी कहते हैं और भल्ला भी कहते हैं। ये दाल के नहीं है? ये दाल से तैयार होता है, ये आलू पनीर से तैयार होता है। अरे वाह, ये आलू से तैयार होता है और इसको दही में आप टिक्की डाल के देते हैं? दही में, चटनी में, सौंफ में जी, चकाचक पनीर में लपेट के देता हूँ। अरे वाह बढ़िया। और सर ये पक्का बाबा नाम कैसे पड़ा? तो मेरे दादाजी ने रखा था। अच्छा जी, दादाजी शास्त्री थे। अच्छा जी, उन्होंने रखा था जी। तो पक्का बाबा आपका नाम है, यहाँ पे चीला बनाते हैं। चीला में मूंग दाल है? हाँ मूंग की दाल सर जी। थोड़ा बताइए अपने बारे में, कैसे शुरू हुआ ये? ये मेरे दादाजी की देन है, जो भी है जी, नाम से लेकर के काम तक। अच्छा दादाजी की देन है जी, नाम से लेके काम तक इनके दादाजी की देन है। और मुझे सिखाया था जी। आप कहाँ, मथुरा से? आप पिताजी तो मना करते थे जी, पर मुझे इसी में रुचि थी। अरे वाह, तो मैंने कहा मैं तो दादाजी का यही अपने सत्र रखूंगा। वाह 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 वाह, इसी को। तो आपके पिताजी मना करते थे पर आपके दादाजी ने सिखाया और आपको इसी में रुचि है? वाह। और जिस घर में रुचि हो ना जी, जिस रसोई में रुचि हो जी, जिस घर में रुचि हो जी, तो आनंद ही आनंद है सर। वाह, ये देखो आलू की स्टफिंग है और साथ में ऊपर से पनीर और ये आ गए छोले। देखो आप किसको खाना है, ये देखो एकदम करारी हो गए हैं यार। यहाँ पे आलू की टिक्की कह लो, भल्ला कह लो, और इधर भाई ये चीले रेडी हो रहे हैं। ये पैक कर दो बाबूजी का। ये देखो भाई क्या बात, चीला पैक करे हो जी। लीजिए सर। वाह भाई साहब, अभी आपको प्लेट लगवा के दिखाते हैं एक चीला की, और इसके बाद आपको दही भल्ला या यहाँ पे जो आलू टिक्की कहते हैं उसका भी प्लेट लगवा के दिखाते हैं। भैया चीले की एक प्लेट लगा के दिखाइए। ये देखो भैया, सबका आएगा उसके बाद। ये देखो भाई जबरदस्त, और ये प्लेट में आ गए जी चीले, और इसके साथ क्या देते हैं सर? चटनी सॉल्ट देता हूँ सर। चटनी और सॉल्ट, पुदीने की चटनी और इमली की सॉल्ट। अरे वाह क्या बात है। और सर एक प्लेट वो भल्ले की भी लगा के दिखाइए। ये बताइए इसके बारे में, ये एकदम करारा लग रहा है भैया ये तो। ये देखो जी एकदम करारी टिक्की है, उसके ऊपर छोले और साथ में एक सलाद आया जिसमें पनीर भी है, और ये बढ़िया इमली की सॉल्ट, और ये चटनी और ये पनीर की बरसात, जबरदस्त जी। इसमें ये पक्का बाबा का जादू। अच्छा ये पक्का बाबा का जादू है जी। हाँ छोले कहते हैं, छोले पनीर जी। जी देखिए ये चटनी, ये आ गई चटनी, चटनी ये मैंने डाली सॉस। अरे वाह जी, और ये पनीर की बरसात भाई साहब, ये पनीर की बरसात जैसे समझिए जी, मलाई का घेवर जबरदस्त लड्डू, मलाई का घेवर, मलाई का लड्डू, मलाई का घेवर। और बाबा एक चीज और बताइए कि यहाँ पे रेट क्या है इसका? रेट का है 50 रुपए सर। और चीले का? चीले का 150 रुपए। 150 रुपए। और ये आप ये क्या डाल रहे हैं? सॉस है, सॉस जी, जो मैंने डाली सॉस चटनी जी। ये मैंने कहा हाँ बोलो मत, इस वक्त बोलो मत, बोलो मत, इस वक्त देखिए ये काम हो रहा है। और पक्का बाबा एक चीज और बताइए, यहाँ पे लोकेशन क्या है आपकी? लोकेशन है मेरी बेलगंज तिकोनिया जी, हीरा लाल हलवे के सामने। अच्छा जी, ये छोले पनीर है साहब। छोले पनीर साहब, ये साहब जी साहब। बढ़िया पक्का बाबा का खाना पक्का है, बिल्कुल स्वाद एकदम पक्का है, जबरदस्त भाई। यहीं से आप आगरा से हो? जी सर। चीला एंजॉय कर रहे हैं? जी सर, जी सर। बढ़िया सर, थैंक यू सर, करिए आप एंजॉय करिए। एक दो चक्कर लग जाते हैं। अरे वाह, हफ्ते में? हफ्ते में। वाह जबरदस्त भाई, यहाँ पे जो माहौल है बहुत ही जबरदस्त है। और पक्का बाबा ये बच्चों के लिए बना रहे हैं एक प्लेट। बाबा आपके चीला में क्या खासियत है यार? इसमें खासियत ये है जी, मैं इसको सिल पर पीसता हूँ। अच्छा सिलबट्टे पे? सिलबट्टे पे जी। लोग पीसते हैं इलेक्ट्रिक मशीन में जी, मैं सिलबट्टे से पीसता हूँ। अरे वाह, ये है खासियत जी, जो मशीन में जाती है वो हीट हो जाती है जी जी जी। इसमें बहुत लेस रहता है। अच्छा
कि इसका स्वाद ही गजब हो। अगर कोई ग्राहक ये कहे ना जी पनीर कम है या कुछ कम है जी, तो वो तुरंत जब तक घिसते रहेंगे जब तक के मना नहीं करते ग्राहक। अरे वाह क्या बात, काम करो व्यापार करो। ये आलू क्या मसाला है या क्या चीज है सर? ये आलू फ्राई है। आलू फ्राई है रे। और भाई साहब अभी देखो ये पनीर की बरसात, जब तक मेरी आत्मा नहीं कहेगी जी तब तक संतुष्टि नहीं मिलेगी। अरे वाह, सेवा हुई और मन से नहीं हुई तो फिर बेकार। वाह, कोई भी काम करो व्यापार करो मन से करो। जी जी जी, ग्राहक कहते हैं मजा नहीं आया जी, जब तक बिकते रहेंगे जब तक की ग्राहक जो नहीं कहे कि नहीं साहब मजा नहीं आया। वाह, हमारा है क्या सब आपका ये? वाह, ये लोग क्यों आते हैं जी? इनका आए इसीलिए तो आ रहे हैं। क्या बात, मैं आधे घंटे से इंतजार कर रहा हूं जी सिर्फ इस चीले के लिए। अरे वाह क्या बात है, आधा घंटा किसी और काम में मतलब नहीं करूंगा, मैं यहां कर रहा हूं। भाई बच्चा इनका है तो काम करेगा मन से, तो धन की कोई कमी नहीं आएगी। जी जी जी, बच्चों की बर्बादी। अरे वाह, अभी तक पनीर आप घिस रहे हैं जी। अरे वाह, बच्चों की बर्बादी, चीला लाना है जी, चीला इन्हीं का खाएंगे। अरे वाह, ये चीला हो गया जी लोड, और अब इसको ओ भाई बाबा बहुत देर से खड़ा हूं मैं, तैयार है पैक करना है, पैक करना पैक। लो बेटा चीला का बावन को पैक करो। अभी इसको देखिए, हां भाई मेरा पैक होने को अभी तक जाऊं सर, एक टीम पर एक आदमी का शॉट ले रहे हैं ना? जी जी जी, एक बार लेंगे दो बार सर? जितनी बार आप कहेंगे, जितना मन से, जितनी तुम्हारा मन करे, एक बार नहीं दो बार नहीं। जी जी जी, जब तक तुम्हारा मन करे जब तक ले चलिए। क्या 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 लेंगे? शॉट लेंगे ना? जी जी जी, हमारे यहाँ शॉट इसको बोलते हैं। किसको? इसको शॉट बोलते हैं। अच्छा, इसको शॉट कहते हैं। जी जी, इसको चटनी बोलते हैं जी। शॉट सर दो बार लेंगे? दो बार लेंगे शॉट, देखो था एक बार जी, ये दो बार जी, और ये कब लेंगे? ये सर एक बार, एक बार लेंगे सर। जी जी, देखिए सर अब इनकी टिक्की तैयार हो रही है। अच्छा जी, अच्छा साहब के लिए टिक्की बना रहा हूँ। अरे वाह, ये पनीर ऊपर से बरसात जी, ये नहीं है आपके लिए, जी सबके लिए, सब साहब है। कंप्यूटर लग रहा है ऊपर जी, मैम साहब ने कंप्यूटर जी, सबके साथ एक सा व्यवहार होगा, ये नहीं है कि आप आए हैं तो आपके साथ सभी साहब है सर, मेरे लिए सब साहब है जी। ये देखो भाई, ये इतनी लोडेड है कि आपको टिक्की तो नजर भी नहीं आएगी। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद भाई साहब। ये आज का हमारा स्वाद बटांदरा, पक्का बाबा के दही भल्ले या टिक्की, भाई इसको भल्ले भी कहते हैं टिक्की भी कहते हैं यहाँ पे। एंड हियर इज अ बाइट, हियर गोज भाई, जबरदस्त भाई साहब। इन्होंने ना पनीर के साथ इसको एकदम लोड कर लिया है, और जो वो करारापन है ना टिक्की में, नेक्स्ट लेवल का है। जो इमली की सौंट हमने दो बार डलवाई थी, उसकी जो मिठास है, उसकी जो खटास है, बहुत ज़बरदस्त है। और एक हल्की सी ना बाइट और लेते हैं, किस बाइट, जो करारापन है वो आलूओं में, ज़बरदस्त है यार। मेरी बात मानो, मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसी करारी, एकदम क्रिस्पी क्रंची टिक्की शायद मैंने अभी तक नहीं खाई है। ऊपर से जो पनीर की बरसात है ना, उसने माहौल बदल दिया है। अगर आपने यहाँ पर ट्राई किया पक्का बाबा पे, तो बताओ कमेंट करके कि कैसे लगे, और अगर नहीं किया है तो भाई साहब यहाँ पे चले आओ, आपको मज़े आ जाएंगे।